अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ सेवन्थ क्लास, आज हमारा मैथ का सेकंड लेक्चर है 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसने ये क्वेश्चन दिया, उसने कहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल जो है कौन सी फॉर्म होती है, पावर वाली फॉर्म में। जैसे कि ये सॉल्व करके जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, पावर की फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल जो है वर्ड वो किससे निकला है, एक्सपोनेंट से। कल मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट क्या होती है, जो पावर होती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कहाँ से निकला है, एक्सपोनेंट से। तो उसने हमें क्वेश्चन दिया है 5 5 5 5 मल्टीप्लाई 5, उसने कितने बार दिया हमें, 4 बार दिया हमने। बजाय इसके कि इसको 4 बार ही लिखने के, हमने क्या किया, उसको 1 बार लिखा और उसकी ऊपर पावर क्या लगा दी, 4। ये कितनी बार है, 1 2 3 4, ऊपर पावर हमने 4 लगा दी। तो ये क्या होगी फॉर्म, कौन सी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कोई भी वैल्यू जो कि उसकी पावर मतलब उसकी पावर के साथ लिखी होगी वो कौन सी फॉर्म होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंपली इस तरह आपने करना है। उसने 4 बार हमें दिया था, बजाय इसके हम इसको बार बार, इसको 4 बार लिखते, हमने 1 बार लिखा और उसके ऊपर पावर कितनी लगा दी, 4। नीचे उसने क्वेश्चन दिया है -3/7, इधर भी यही है, इधर भी, इधर भी। बजाय इसके कि हम इसको बार बार ऐसे ही लिखें, हम क्या करेंगे, -3/7 जस्ट 1 टाइम हमने लिखना है। और कितनी बार है ये वैल्यू, 1 2 3 4, 4 टाइम है, हमने ऊपर इसकी पावर क्या लगा दी, 4 लगा दी, ठीक है। ये भी कौन सी फॉर्म बन गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह पी है, पी उसने कितनी बार दिया है, 1 2 3 4 5, 5 बार दिया है। बजाय इसके हम इसको 5 बार ही लिखें, हम क्या करेंगे, 1 बार लिखेंगे पी और उसके ऊपर पावर लगा देंगे, 5, ठीक है। ये भी कौन सी फॉर्म होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ आई इतनी। उसने कोई भी वैल्यू दी हो, जैसे कि इधर पी दिया हुआ है, पी कितने बार दिया है उसने, 5 बार दिया है, हम 1 बार लिख के उसके ऊपर पावर क्या लगा देंगे, 5 टाइम दिया है ना, 1 2 3 4 5, 5 टाइम दिया, हमने क्या किया, ऊपर उसकी पावर कितनी बार लगा दी, 5 टाइम लगाई, ठीक है। तो पी की पावर क्या होगी, 5। तो ये किसको शो कर रहा है, पी कितनी बार है, 5 बार है। इधर भी जो है किसको शो कर रहा है, -3/7 कितनी बार है, 4 बार है। और 5 कितनी बार है, ये 4 बार है। जितनी उसकी पावर होगी उसका मतलब ये होगा उसकी बेस जो है वो उतनी बार है। आगे 1/10 है, उसने 3 बार दिया हुआ है, हमने क्या किया, 1/10 को जस्ट 1 टाइम लिखा और उसके ऊपर पावर कितनी लगा दी, जितने टाइम वो है, 1 2 और 3, 3 टाइम है, हमने ऊपर इसकी पावर लगा दी, 3 टाइम। तो ये किसको शो करना है, 1/10 जो है वो कितनी टाइम है, 3 टाइम है, ठीक है। xy कितने टाइम है, 3 टाइम। इसको भी सेम हमने वैसे ही करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। ये उसने कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम उसने दिया हुआ है ये, ठीक है। अब बजाय इसके हम इसको बार बार 7 टाइम ही लिखे, हमने क्या किया, माइनस का ए लिखा और कितने टाइम है ये, 7 टाइम है, हमने उसके ऊपर पावर क्या लगा दी, 7 लगा दी। तो ये किसको शो कर रहा है, माइनस का ए जो है वो कितने टाइम है, 7 टाइम है। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आपने इसको प्रैक्टिस भी किया करना है और इसके नोट्स भी आपने रेडी रखने हैं, ठीक है। डेली बेस पे काम जो हो रहा होगा आपने उसको डेली बेस पे ही किया करना है। उसकी प्रैक्टिस करके उसको एक रफ अच्छा सा नीट सा रजिस्टर लेके ना उसके ऊपर आप उसको नोट्स भी बनाया करें। रफ रजिस्टर पे करने के बाद आप उसके साथ साथ नोट्स भी बनाया करें।